قال النبي صلى الله عليه واله وسلم اقرا القران فانه ياتي يوم القيامه شفيعا لاصحابي। हुजूर صلى الله عليه واله وسلم ने इरशाद फरमाया कि कुरान पढ़ा करो, क्योंकि कयामत के दिन ये अपने पढ़ने वाले का सिफारशी होगा। फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बि इश्रहली सदरी वयस्सिरली अमरी वहलुल उख़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली, रब्बि यस्सिर वला तुय्यसिर वतमम बिलख़ैर आमीन या रब्बिल आलमीन। ओके, दिस इज़ अ लेक्चर ऑफ मुरक्कब इशारी, और इससे जो दो लेक्चर प्रीवियस लेक्चर थे उसे मैंने मुरक्कब तौसीफ़ी कवर कर लिया था। हाँ जी, दिस इज़ अ स्ट्रक्चर ऑफ जुमला इस्मिया, मतलब अपन प्रेजेंट टेंस पढ़ रहे हैं ना, या प्रेजेंट कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद पास्ट और फ्यूचर पे भी जाएंगे। ओके, तो इसके कुछ पार्ट्स हैं। पहले क्या है, मुरक्कब तौसीफ़ी जो अपन पढ़ चुके हैं, ठीक। लास्ट दो लेक्चर देखिए, मुरक्कब इशारी ये अपन को कवर करना है, एंड फर्दर इसके आगे अपन ये पढ़ेंगे इजाफी और मुरक्कब जारी। थोड़ा सा रिवीजन देख लें, मुरक्कब तौसीफ़ी में अपन मौसूफ़ और सिफ़त पढ़ते थे ना, ठीक। इसमें क्या पढ़ेंगे, इसमें इशारा और माशूरन इलैह, इसमें इशारा मतलब दिस डैट दिस दोज नहीं, ऑल दोज थिंग आर ऑल्सो भी देयर नो सो, और इसमें मुजाफ मुजाफ इलैह होंगे, इसका भी स्ट्रक्चर बाद में जब अपन पढ़ेंगे तो डिस्कस कर लेंगे। और इसमें जार और मजरूर, जार और मजरूर, ओके। और यहाँ से अपन पढ़ेंगे क्योंकि अपन उर्दू अरबी पढ़ रहे हैं ना, इसलिए तो पहले क्या आएगा, इसमें इशारा, उसके बाद माशूरन इलैह आएगा, जैसे कि मौसूफ़ पहले आ रहा था, सिफत उसमें बाद में आ रही थी ना अरबी कॉन्टेक्स्ट में, इस तरह ही मुजाफ पहले आएगा तो मुजाफ इलैह बाद में, एंड सो ऑन। लेकिन अपन को भी ये पढ़ना है तो इस पर फोकस करें कि इसमें इशारा पहले आएगा, उसके बाद माशूरन इलैह आएगा। ओके ओके, सेंटेंसेस में कैसे समझेंगे यहाँ से चेक करना, ठीक है। मैंने लिख दिया, हिंदी में अपन यहाँ से पढ़ते हैं ना, लेकिन उर्दू और अरबी में अपन यहाँ से देखते हैं। तो पहले क्या आएगा, इसमें इशारा, उसके बाद मशारा इलैह, जैसे कि अपन एग्जांपल लेते हैं दिस बुक या यह किताब, इसमें दिस जो है वो है इशारा, इंडिकेशन दे रहा है ना यह है, और बुक क्या है मशारा इलैह। तो अपन क्या पढ़ेंगे ऐसे, इसमें क्या होगा, इसमें इशारा पहले आएगा, मतलब दिस की अरबी पहले आएगी, उसके बाद मशारुद इलैह मतलब बुक की अरबिक बाद में आएगी। तो अपना और भी थोड़ा सा चेक कर लेते इसके रूल्स वगैरह। ओके, इसके सिंपल से दो रूल हैं, जो इशारा और मशारुद इलैह दोनों ही पहली चीज़ रफ़ा में रहेंगे, मतलब जो बोला ना उन साउंड दिस उन, ठीक है, रफ़ा में रहेंगे। और जो इशारा होगा मतलब ये इशारा वो मारफा बन के आएगा, ठीक है। तो मशारुन इलैह को अपन को मारफा ही बनाना पड़ेगा क्योंकि ये मारफा बन के आ रहा है। बस सिंपल से दो रूल हैं, अपन इसको इम्प्लीमेंट करते हैं चलो सेंटेंसेस में। ओके ओके, ये और देख लीजिए आप, हमें लग रहा, मुझे लगता है कि शायद आप लोग भूल जाएं कि मारफा होता क्या है। मारफा होता है जो इनकम्प्लीट होता है सेंटेंस, और नकरा जो कम्प्लीट होता हो। अब आपको समझ में आएगा मैं मारफा और नकरा इतनी देर से कह रहा हूँ, इनकम्प्लीट और कम्प्लीट। ओके, अब आगे देखते हैं अपन। ओके, सेंटेंस में कैसे इम्प्लीमेंट होगा तो देखते हैं। दोनों ही मारफा होते हैं, मतलब इनकम्प्लीट होते हैं। इनकम्प्लीट के मतलब जो इशारा होगा वो भी यह वो है कौन, स्टूडेंट है, यह स्टूडेंट, क्योंकि इनकम्प्लीट है ना, है तो आएगा नहीं सेंस। यह स्टूडेंट के लिए क्या होगा, हाजा ताली हाजत तालिबू, क्योंकि तालिबुन इसलिए लगाए रफा में क्योंकि अल लग गया ना आगे, इसलिए वो तनबीन चली गई। ओके, यह दो तालिब तालिब इल्म में, ओके, तो हाजानी दो के लिए, और हाजना हाजानित तालिबानी, ठीक, और बहुत सारे तालिब इल्म में, तो हाउलाई तलाबू। ओके, सो दिस इज़ अ थिंग। ओके, एक चीज़ कंसीडर करिए, तीनों में क्या है, अलग लगाए मतलब मारफा आए हैं, ये तो मारफा आया है तो इसको भी अपन को मारफा लाना पड़ेगा, ठीक है। नकरा से मारफा लाने के लिए अपन अल लगा देते थे ना, वही चीज़, क्योंकि जो अपन अगर मुब्तदा और खबर को लेके चलें तो खबर अपनी नकरा रहती है, मुब्तदा मारफा रहता है। अब नकरा को मारफा बनाने के लिए अल लगा देते थे तो ये रिप्रेजेंट करता है कि ये भी क्या है, मारफा ही है। ओके ओके, जितना अपन ने पढ़ लिया उसका अपन कंपेरिजन कर लेते हैं। ऊपर वाला है मुरक्कब इशारी, नीचे वाला है मुरक्कब तौसीफ़ी, जो अपन लास्ट में प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं। जैसे ये सेंटेंस आएगा, अगर ये स्टूडेंट मेहनती है तो ये होगा मुरक्कब इशारी, क्योंकि अपन यह स्टूडेंट बता दिया ना पहले, अपन ने मुब्तदा क्या आ गया, यह स्टूडेंट, उसकी खबर क्या है कि वो मेहनती है, तो इसकी क्या होगी, हाजत ताली वो, मतलब अल अल लग जाएगा इसमें, अलिफ लाम अल लगता है, ठीक है, क्योंकि ये भी मारफा और ये भी मारफा, सिंपल सा है। और जिसकी खबर मेहनती का क्या है, मुस्तहिदुन मुस्तहिदुन, ओके मुस्तहिदुन,
तो इसमें क्या होगा, एनालिसिस देख लेते हैं। योग इशारा और योग मशारा ने दे, ये दोनों मिलके मुब्तदा बन जाएंगी और इसकी खबर मुब्तदा खबर मिलके सेंटेंस। अब अपन ने पिछले लास्ट लेक्चर में क्या पढ़ा है, मुरकब तौसीफी में, कि यह मेहनती स्टूडेंट है। ठीक, यहाँ पहुँच दिया, यह मेहनती स्टूडेंट है। और यहाँ पर कहता है यह स्टूडेंट मेहनती है। तो अब अपन मुरकब जब तौसीफी की बात करेंगे तो यह मतलब ये हो जाएगा आपका सब्जेक्ट, यानी मुब्तदा, ये सब्जेक्ट हो गया। चलो इसमें देखते हैं, हाजा ले लिया। अब इसमें अल नहीं आया, देखिए अल मिसिंग है ना, क्योंकि ये मुरकब तौसीफी है। ठीक, और ये यहाँ पर मुरकब इशारी था तो यहाँ पर अल लगा था, मतलब मारफा बन गया था, यहाँ मारफा बन के नहीं आया, तो ये हो गया मुब्तदा। ठीक, इतना मुब्तदा। और ये पूरी इसकी खबर थी, तो इसको अलग अदर फर्दर एनालिसिस किया तो ये हो गया था मौसूफ़ और सिफत पढ़ते थे ना, मौसूफ़ पहले आता था तालिबु, ठीक है, और मुज्तहिदुन तालिबुन होना चाहिए। ठीक है, रफ़ा में रहते ना, हाजा तालिबुन मुज्तहिदुन। तो ये मौसूफ़ और सिफत मिलके क्या बन जाएगी, खबर। खबर और मुब्तदा मिलके दोनों ही सेंटेंस, मतलब सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट मिलके सेंटेंस कंप्लीट हो जाते हैं। ठीक है, हाँ अपन ने ये पढ़ा क्यों मुरकब इशारी, क्योंकि क्या होगा, इनकम्प्लीट सेंटेंस पढ़ा क्यों अपन ने, ये मारफा वाला मुरकब इशारी पढ़ा क्यों, क्योंकि कोई भी सेंटेंस स्टार्ट करने के लिए आपको एक इनकम्प्लीट सेंटेंस ही होता है ना पहले। जैसे यह घड़ी, ये इनकम्प्लीट है, अब अपन फर्दर इसको बढ़ाते हैं, यह घड़ी टूटी हुई है, नहीं तो इसलिए अपन ने इसको भी पढ़ना ज़रूरी था मुरकब इशारी। थोड़े फर्दर एग्जाम्पल और देख लेते हैं, तो जैसे कहेंगे यह कलम काला है, मतलब दिस पेन इज़ ब्लैक, ठीक, लाइक दिस, तो उसके लिए क्या होगा, दिस पेन, ये क्या हो जाएगा, हाजा हाजल कलामो, ओके, ये हो जाएगा आपका मुब्तदा, और सिंपल सा ये उसकी खबर हो जाएगी, क्योंकि ये इनकम्प्लीट था, इसको खबर ने इसको कम्प्लीट कर दिया। तो हाजा इसको फर्दर क्या करेंगे, जो हो जाएगा ले, इसमें इशारा, ओके, और ये था अपना मशारुन ले, मशारुन समझ लेना, मशारुन ले, और ये दोनों मिलके मुब्तदा बन जाते हैं, और मुब्तदा अपनी खबर से सेंटेंस बन जाता है। ठीक है, और से एग्जांपल देख लेते, बस लास्ट एग्जांपल और देख लीजिए, जैसे वो दरवाज़ा बंद है, अब वो दूर का इशारा है ना, तो दूर के लिए अपन चार चार से वह हेल्प ले लेते, दूर के लिए क्या था, जालिका, दरवाज़ा क्या है, मेल है, ठीक, तिलका, अगर फीमेल होता तो अपन तिलका लेते, लेकिन जालिका आया वो दरवाज़ा, ठीक, दूर के लिए, मैंने सॉरी यहाँ पर फीमेल का साइन कर दिया, मेल है, तो जालिका क्या हो गया, इशारा, ये मशारुन हो गया। और जब इशारा मशारुन ले मिल जाते हैं तो मुब्तदा बन जाता है, और जिसकी आगे की खबर, तो मुब्तदा खबर मिलके जुमला बन जाता है। ओके ओके, सो दिस इज़ अ लेक्चर, और आई थिंक यू गॉट फुली अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग राइट नाउ, एंड आप रिवीजन करते रहिए। सुभानक अल्लाहुम्मा वबिहम्दिक अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका वअतूबु इलैका।